और वही जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पंजाब में भी जाके काम कर रहा है, वो हरियाणा में भी जाके काम कर रहा है, पर वो चंडीगढ़ में नहीं काम कर सकता। अगर एमपी साहब अवेलेबल हो तो इनके लिए 10 मिनट का काम है अप्रूव कराना। जो इस बार जो कैंडिडेट हो लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। पर हम जब भी कोई मुद्दा होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी आगे फाइल भेजी हुई है। एमपी बोलते हैं जी मेरे अफसर नहीं सुनते, अफसर बोलते हैं एमएचए के पास गई है। लैंडलॉक होने के बाद भी 30-40% प्रॉपर्टी पे अगर इंडस्ट्री एरिया में काम नहीं हो रहा तो काम कैसे हो। अर्थ प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा के चुनाव जो है बिल्कुल सिर पर है और चंडीगढ़ में प्रत्याशियों की घोषणा अभी होनी बाकी है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे सामने आ रहे हैं जिन मुद्दों का आज तक कोई निवारण नहीं हो पाया है। किसी भी क्षेत्र की अगर हम आर्थिक संपन्नता देखें तो वो उद्योग जगत से लगाई जाती है कि वहां का उद्योग फ्लरिश कर रहा है या नहीं कर रहा, उद्योगों की क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं। लेकिन चंडीगढ़ में एक समस्या जो देखी जा रही लगातार कि पार्टियों ने जो है उद्योगपतियों को वोट बैंक की तरह तो इस्तेमाल किया लेकिन उनके जो असल मुद्दे हैं उनका हल निकालने के लिए आज तक कोई सामने नहीं आ रहा। चाहे वो पार्टी कांग्रेस सत्ता में रही हो, चाहे वो पार्टी भाजपा में सत्ता में रही हो, मैनिफेस्टो के अंदर लगातार मुद्दे उठाए जाते रहे हैं लेकिन उन मुद्दों का कोई हल आज तक नहीं निकला। तो हमारे साथ जो है जॉइंट फोरम ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन के कई सारे सदस्य हैं, इन्हीं से जानते हैं कि कहां दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है और किस वजह से इन मुद्दों का हल नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले हमारे साथ है सुरेंद्र जी, उनसे जानते हैं। चंडीगढ़ में इंडस्ट्री को इन्होंने जगह अपना रखना है तो इनको थोड़े से मुद्दे मारा जैसे ईद ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, प्रधानमंत्री का जोन सा है यूज उनको करना पड़ेगा। हमारे को यहाँ पर काम करने की ही देनी देंगे तो दो तीन हमारे जो मुद्दे मेन है गया। एक तो लीज होल्ड टू फ्री होल्ड है गया, अपना सेकेंड इज वायलेशन एंड मिस यूज नोटिसेस, थर्ड है एमएसएमई एक्ट को लागू करना। अच्छा एमएसएमई एक्ट एक्ट ये है जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया हुआ है, इवन देन दे आर नॉट इंप्लीमेंटिंग दिस इन चंडीगढ़। बाकी छोटे छोटे मुद्दे भी हैं बट दीज आर दी थ्री मेन मुद्दा वी हैव इन चंडीगढ़। इंडस्ट्री के लिए अगर इंडस्ट्री को सर्वाइव करना है दे मस्ट लेट सेट इट राइट, ओनली देन इंडस्ट्री कैन सर्वाइव इन चंडीगढ़। सो हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन के लगातार हम कर रहे हैं कि भी आप यू शुड बी ये वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, आपने हमसे पैसे ले लिए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और वही लिए जो फ्री होल्ड किए थे। आज हम आज 30-40 साल के बाद किसी के घर में डिविजन हो रही हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो उसको आदि नहीं कर सकते कागजों में, बहुत प्रॉब्लम्स हैं इससे बिजनेस। और जब तक टाइटल क्लियर नहीं होगा ना कोई भी बिजनेस फ्लोरिश नहीं होगा, ये तो बड़ी क्लियर बात है। जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है टाइटल क्लियर होता है कि आज मेरा काम नहीं चल रहा, मैं एक मिनट में उस जगह को बेचता हूं। किसको बेचता हूं? जो बंदे ने आगे काम करना। अगर मैं बेच ही नहीं पाऊंगा और मेरी प्रॉपर्टी डेड है तो उसका क्या पर्पज है? एक तरफ तो आप कह रहे हो जी लैंड लॉक है, दूसरी तरफ मेरी प्रॉपर्टी में कोई काम ही नहीं हो सकता, चाहे वो फैमिली डिविजन है, कोई लड़ाई झगड़ा है घर में हो गया है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं काम ही नहीं कर सकता। इनके एक अपना सर्वे था जो हमने शेयर किया था एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें उन्होंने आप बोला हुआ है कि इंडस्ट्रियल एरिया में 30-40% प्रॉपर्टी है जिसपे काम नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि भी चंडीगढ़ लैंडलॉक है। लैंडलॉक होने के बाद भी 30-40% प्रॉपर्टी पे अगर इंडस्ट्रियल एरिया में काम नहीं हो रहा तो काम कैसे होगा? और वही जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पंजाब में भी जाके काम कर रहा है, वो हरियाणा में भी जाके काम कर रहा है, पर वो चंडीगढ़ में नहीं काम कर सकता। So, ये हमारे बड़े बहुत सालों से मुद्दे चल रहे हैं। सो हमारी ये रिक्वेस्ट है आपके राही या पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमने मैनिफेस्टो दिया है कि भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, इससे नौकरियां बढ़ेंगी, इससे आपकी आमदन बढ़ेगी, तो क्या इसमें क्या नुकसान किसको है? सो दूसरी चीज है हमारा जो बड़ा कॉमन है कि ये जो मिसयूज और बिल्डिंग वॉयलेशन के जो पेनल्टी के रेट्स हैं वो अपने आप में इलीगल है। 2007 और 2009 में इन्होंने अमेंडमेंट्स की थी जो कि पंजाब कैपिटल एक्ट के हिसाब से लीगल तरीका नहीं है। सो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रेगुलर गुजारिश रहती है कि जो तो एक्ट पार्लियामेंट से पास है वो आप उसको अडेप्ट नहीं कर रहे हो, और जो आप जो कराना जरूरत था आपको पेनल्टी वाला वो आप बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल से आप हमारे को इतने महंगे चार्जेस कर रहे हो। सो ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है, जिससे मैक्सिमम नोटिसेस अगर ये दो मैटर पे ये देख लें। अब बिल्डिंग वॉयलेशन क्या, अगर किसी ने कोई कमरा बना लिया अपनी बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर भी, वो भी ये कहते हैं आप नहीं बना सकते, उससे क्या होता है कि बिजनेसमैन डिसहार्टेंड होता है और वो
आज हरियाणा जाएगा, पंजाब जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे उसको तो काम करना ही है ना। इतने रिस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट में कौन सी इंडस्ट्री फ्लरिश हो सकती? कोई भी इंडस्ट्री नहीं हो सकती। सो जो एमएसएमई को लागू करते हैं तो मिसयूज के नोटिसेस खत्म हो जाएंगे। अगर हमारे को इन्होंने अपने आप ही हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भी हमारे यहाँ पे लैंड लॉक है कि चंडीगढ़ ना बढ़ सकता है क्योंकि आसपास पंजाब और हरियाणा की टेरिटरी आ जाती है। अगर लैंड लॉक है तो आप चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया को या चंडीगढ़ के जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं चाहे रेजिडेंस है तो आप उसको वर्टिकली हाइट दे सकते हो, और तो कोई तरीका नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया में ये कहते हैं 0.75 से ऊपर आप कर ही नहीं सकते, FAR नहीं कर सकते। अगर हम पहले क्या होता था 0.75 to 1 हम कर सकते थे, उसके जो चार्जेस थे 200 rupees स्क्वायर फीट थे, जिसको उन्होंने बढ़ा के 3400-3500 कर दिया, जो कि अपने आप में कोई भी इंडस्ट्री इतना पैसा अपनी जगह पे लगाए और उसके बाद जो 0.75 की इंक्रीज ले वो प्रैक्टिकली नहीं है, उसका इतना खर्चा हो जाएगा, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी। सो ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो कि आज से नहीं है अगर आप। और तीसरी चीज ये जो सुरेंद्र जी ने पहले जो पॉइंट बोला कि भी लीज ओवर टू फ्री होल्ड, अब आप यूल बी शॉक्ड, हमने डाटा निकाला 1972-73 से, 72 में इन्होंने जो प्रॉपर्टीज फ्री होल्ड पे देते थे वही प्रॉपर्टी इन्होंने हमारे को लीज में दी 73 में, और जो अलॉटमेंट के जो चार्जेस किए वो सेम थे जो फ्री होल्ड वाले थे। तो हमने बहुत रेगुलर डिमांड कर रहे हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन से कि जब आपने हमारे को लीज की प्रॉपर्टी दी, पैसा आपने सारा हमसे फ्री होल्ड वाला ले लिया, तो अब आपको कन्वर्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? चंडीगढ़ की प्रॉब्लम ये रही है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर कांग्रेस है या बीजेपी आई है, कभी हमारा ये रहा है कि जो हमारे एमपी हैं उनकी कभी गवर्नर साहब से नहीं बनी, तो कभी हमारे गवर्नर साहब ऐसे आ गए जो होम मिनिस्टर से उनको डिमोट करके उनको यहाँ पर गवर्नर बना दिया गया, उनके लिए बहुत छोटी थी तो वो उन्होंने मुद्दे सुनने की कोशिश नहीं की। हमारे सिस्टम्स में इतने, चाहे अब बीजेपी की सरकार आई है, मैनिफेस्टो में 2-3 बार उन्होंने हमारे से डिस्कस किया, लास्ट टाइम 2014 के इलेक्शन में उन्होंने हमारे मुद्दे लिए और उन्होंने कहा हम पक्का करवाएंगे। सेकेंड टाइम जब फिर 19 में हुआ, मैडम आई, उन्होंने कहा आपके मुद्दों को हम जल्दी सॉर्ट आउट कराएंगे, तब भी नहीं हुए। हम तो अब ये चाहते हैं कि हमारे पास जो कैंडिडेट आए, कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं आना चाहिए, कैंडिडेट वो हो शहर का जो जिसको हम इमीडिएटली आके पकड़ सके और उनको बता सके कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है। अब इन्हीं के टाइम पे, मैडम के टाइम पे हमारा एक मुद्दा है, MHA में फाइल गई हुई है, एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में एक हमारी बनी थी कमेटी जिसमें MP साहिबा के साथ शहर के 20-22 लोग मेंबर थे, उन्होंने 6 महीने लगा के मुद्दों के ऊपर डिस्कस करके शहर की जो प्रॉब्लम्स थी उसको सबको कंपाइल करके MHA में भेज दिया फॉर अप्रूवल। 2021 में कमेटी बनी थी, 2022 में इन्होंने भेजा, अब 2022 में वो फाइल अभी तक MHA में पड़ी है, उसको क्लियर करवाने वाला कोई है नहीं। हम यहां से पूछते हैं तो फाइल MHA में जब पूछते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास फाइल नहीं आई। मुद्दे तो दोस्तों ने बता दिए जो मेजर मुद्दे हैं सारे, पर हम जब भी कोई मुद्दा होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी आगे फाइल भेजी हुई है, MHA भेजी हुई है। इस बार हमने गवर्नर साहब को मिले थे, रिक्वेस्ट करी थी कि आप MHA का जो सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर है उसको चंडीगढ़ क्यों नहीं बुला लेते, भेजा कि फाइल यहाँ से इधर से उधर जाए, उधर से इधर आए, ताकि काम भी जल्दी हो जाएगा तो आपके हमारे मसले भी सॉल्व हो जाएंगे। उन्होंने एग्री तो किया है बट स्टिल वी डोंट नो इसके ऊपर एक्शन होता है कि नहीं होता। लीज होल्ड टू फ्री होल्ड, मिसयूज वायलेशन नोटिसेस, फायर NOC नॉर्म्स, एक MSMED एक्ट, हायर FAR, ये सारे अप्रिशिएट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन मानती है कि ये जायज चीज है और पॉलिटिकल पार्टीज भी मानती हैं। पिछले 20 साल से मुद्दे हैं, इससे जस्टिफाई ये करते हैं, इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई 2015 में, उसमें सारी चीजें हैं कि होंगी, लेकिन ना जाने क्यों कहां मामला अटक जाता, आज तक नहीं हुई। एक मेंबर पार्लियामेंट, जैसे चंद्र जी ने बताया, एक कमेटी बनाई थी अंडर मेंबर पार्लियामेंट, वो अप्रूव चीजें हुई हैं, ये सारी सारे मुद्दे हमारे जायज हैं, अप्रूव हुए हैं और मानते हैं, लेकिन कभी MP बोलते हैं जी मेरे अफसर नहीं सुनते, अफसर बोलते हैं MHA के पास गई है, MHA वाले बोलते हैं नहीं जी ये तो इनके विद इन पैरामीटर आ जाती है चीज, ये खुद ही कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट इंटरसेल। MHA वाले बोलते हैं चंडीगढ़ में फाइल है, चंडीगढ़ वाले बोलते हैं MHA में फाइल है। हम लोग वहां पे आशुतोष चौबे जी को भी मिले जो MHA के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जो MSME एक्ट है पार्लियामेंट से अप्रूव हो चुका है,
वो तो आप चंडीगढ़ गवर्नमेंट अकेले अपने आप कर सकती है। आप चंडीगढ़ गवर्नमेंट के पास गए तो वो बोलते हैं कि गवर्नर साहब कर सकते हैं। इवन दो यहाँ पे एक छोटी सी 18 मई 2023 को गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि हम ओटीएस स्कीम 15 दिन के अंदर अंदर ला के दे देंगे। वो 15 दिन क्या अभी तक भी नहीं आई है और उसके लिए हमने कई बार सभी एडमिनिस्ट्रेशन को मिले, गवर्नर को मिले, बट अभी तक ओटीएस भी लागू नहीं की गई।